नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा ओमान में सुप्रीम कमेटी के डिसीजन का उल्लंघन करने के आरोप में चार खारजी लोग को गिरफ्तार किया गया, कहां पे किया गया। साथ ही बताऊंगा कि ओमान में पिछले 24 घंटों में कितने नए केसेस आए हैं, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो ट्वीट कर जानकारी आई कि यहाँ पे ओमान में पिछले 24 घंटों में कितने केसेस आए हैं भाई, क्योंकि देखा जाए तो ओमान में मैंने पहले भी बताया था कि केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रियों में केसेस बढ़ रहे हैं। दोबारा से अगर जो बात करें यहाँ पे तो 24 घंटों की बात कर लूँ तो 556 नए केसेस आए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, पहले मैंने बताया था कि 4 दिन में 1600 प्लस केस आए थे, लेकिन आज की बात करें तो यहाँ पे 556 नए मामले दर्ज किए गए। ये 24 घंटों का अपडेट है जो कि काफी ज्यादा है। वही नंबर ऑफ केस की अगर जो बात कर लें कि टोटल केस आज तक ओमान में कितना हुआ है उसकी यहाँ पे बात की जाए तो आपको देखिए 147,423 आदमी अब तक इस पेंडेमिक का शिकार हो चुके हैं ओमान में, जो कि काफी बैड है भाई। क्योंकि देखा जाए तो 1.5 लाख के मतलब करीब ही पहुंचने वाले हैं ओमान में, अगर जो देखा जाए तो इस पेंडेमिक की वजह से जो शिकार हुए। वहीं बात करें कि इसमें टोटल मतलब रिकवर कितने लोग हुए हैं, ठीक कितने आदमी हुए, अगर जो यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो आपको तो कि यहाँ पे देखा जाए तो 136,770 आदमी अब तक यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं, यानी ठीक हो चुके हैं, जो कि काफी बेहतरीन है भाई। क्योंकि 147,000 प्लस केसेस हैं ओमान में, जिसमें से 136,000 प्लस आदमी ठीक भी हो चुके हैं, जो कि काफी जबरदस्त है। वहीं बात करें कि जैसे पिछले 24 घंटों में टोटल देख लिया जाए तो यहाँ पे कितने आदमी एक्सपायर हुए हैं, अगर जो बात करूँ आज तक ओमान में कितने आदमी एक्सपायर हुए तो यहाँ पे 1,609 आदमी अब तक इस पेंडेमिक की वजह से अपना जान गंवा बैठे हैं ओमान में, जो कि काफी बैड है भाई। क्योंकि देखा जाए मतलब एक मौत या चार दो मौत ऐसा ओमान में होता रहता है। वहीं बात करें कि यहाँ पिछले 24 घंटों में कितने लोग रिकवर हुए, अगर जो रिकवरी रेट की जैसे बात किया जाए ओमान में थोड़ा सा डाउन आया, क्योंकि यहाँ पे देखा है तो मतलब 93% है, 93% है। अगर जो देखें यहाँ पे तो मतलब काफी ज्यादा है, फिर भी 93% किसी भी कंट्री के लिए रिकवरी रेट हासिल करना काफी ज्यादा है। क्योंकि आपको मालूम होगा इंडिया में कितना था, 70 के आसपास रिकवरी रेट चल रहा है, वहीं ओमान में 93% है, जो कि काफी ज्यादा है। वहीं बात करें कि जैसे ओमान सुप्रीम कमेटी में आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 4 एक्सपर्टी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि आपको मालूम होगा यहाँ पे क्या हो रहा था, उन्होंने ग्रुपिंग में जा रहे थे। जैसे क्या होता कि एक समूह में एक पूरे शामिल थे जो पूरे एक्सपर्ट थे, मतलब खारजी लोग थे जिनको ओमान सुप्रीम कमेटी के रोल जो रोल है उस कानून है उसको तोड़ने के आरोप में यहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर जो बात करें ओमान में रहते हो तो अपना जरूर ख्याल रखिए, मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग होगा, साफ सफाई का बराबर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं है पेंडेमिक से लड़ना भाई। और ओमान में रहते हो तो ओमान सुप्रीम कमेटी द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए उसको बराबर से फॉलो करो, वो आप ही के लिए फायदेमंद रहेगी। अन्यथा क्या होगा, कहीं उसको रोल को तोड़ोगे तो फिर क्या होगा, कानून को तोड़ोगे तो आपके ऊपर फाइन भी आ सकता है, बहुत मतलब आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।